साई राम। आप सभी साई भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके प्यार के लिए बहुत आभारी हैं हम। आप हमारी वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिए ताकि हमें भी प्यार की शक्ति मिलती रहे, क्योंकि कहते हैं जितना देते हैं उतना वापस आ जाता है। तो प्यार तो हमें बहुत चाहिए, इसलिए हम देंगे भी आपको भरपूर और आपसे लेंगे भी भरपूर। जैसा कि बाबा के श्री सचरित्र के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने पिछली वीडियो में कि कैसे एक अद्भुत तरीके से साई ने चक्की पीसकर शिरडी की रक्षा की, और हमें उसका उपदेश देने के लिए उन्होंने कितनी प्यारी लीला रची। मैं पहले भी कह चुकी हूं कि ईश्वर जो है अपने रहस्यों को बहुत गुप्त रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि जो सुपात्र होगा वो अपने आप उसमें से खोज ही लेगा रतन। और ये तो पारसमणी है, बाबा की सच्चरित्र जो छूले वो सोना हो जाए, और सोना तो सबको ही प्रिय होता है, देखो खास तौर पे लेडीज को। अब पिछले अध्याय में हम बात कर चुके हैं और हेमांत पंत ने इस सच्चरित्र को अपनी लेखनी द्वारा लिखा, लेकिन लिखने से पहले वो इतने असमंजस में थे, वो सोच नहीं पा रहे थे, वो खुद को अयोग्य समझ रहे थे, और उनका सोचना और समझना जायज भी था कि एक आम आदमी ईश्वर की रचना को अपनी लेखनी द्वारा लिखे बहुत बड़ी बात। वैसे मैं हेमांत पंत का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनको प्रणाम करते हैं। हालांकि ईश्वर खुद चूज करते हैं उन लोगों को जिनसे ये कार्य करवाते हैं। भक्त तो एक निमित्त मात्र माध्यम होता है। और ईश्वर की लीला तो अगाध है, समझ से ही परे है। ईश्वर की लीलाओं को समझना आसान नहीं होता। मैं पहले भी वीडियोस में बहुत बार ये बोल चुकी हूं कि उनकी लीलाएं बड़ी गुप्त रहस्य सी होती हैं। उन पहेलियों को भेदना आसान नहीं होता, और सुपात्र और कुपात्र का भी ध्यान रखना पड़ता है। और हेमांत पंत ने जब इसको सचरित्र को लिखने का उनके मन में मतलब विचार जब आया, विचार देने वाला कौन? साई। विचार वापिस लेने वाला कौन? वो भी साई, क्योंकि वो अपने शिष्य को अपने भक्तों को टटोलते हैं कि आसानी से डगमगा तो नहीं रहा, और वाकई ही उसके अंतर मन की इच्छा सही है, राग द्वेष से परिपूर्ण तो नहीं है। हेमांत पंत ने जब श्री साई सचरित्र की ये लीला जो चक्की पीसने वाली जब उन्होंने सुनी, और मतलब वो आश्चर्यचकित रह गए।
वो सोचने लगी कि ये कैसा संत है जिसने मुंडेर पे आटा बिखेर के और क्या कहते हैं बीमारी को मतलब शिरडी के अंदर आने ही नहीं दिया और शिरडी को मुक्त कर दिया बीमारी से, हैजा से, महामारी से। और ये विचार उन्हीं लोगों को आएगा जिनके अंतर मन में ईश्वर की भक्ति पहले से ही विद्यमान रहती है। और ईश्वर की जिस पर कृपा होनी होती है वही ये विचार भी मन में लाते हैं। ईश्वर की एक दृष्टि, गुरु की एक दृष्टि, साईं की एक दृष्टि बहुत होती है। अगर आप पर पड़ जाए तो आप समझ भी नहीं सकते कि जाने अनजाने में आपको क्या मिल जाता है। अब उसका एक छोटी सी बात आपको बताती हूं जो मेरे साथ बीती। मैंने जैसे बोला कि एक दृष्टि आपका जीवन कैसे बदलती है और एक दृष्टि कब आपको मिलती है और कैसे आपका जीवन कब बदलता है ये आप खुद भी नहीं जानते। साठेवाड़ा में हेमांड पंत और बाला साहेब की बहस हो रही थी कि गुरु की आवश्यकता क्यों, गुरु तो खुद बड़ी सुखद निद्रा में रहता है और क्या कहते हैं परिश्रम तो हमें करना पड़ता है और जब वो कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर क्या फायदा गुरु का। ये तो स्वाभाविक है मन में विचार आना कि गुरु की क्या आवश्यकता है, क्योंकि क्या होता है हम अज्ञानी हैं। जब हमें ज्ञान ही नहीं है गुरु का कि गुरु हमारे लिए कर क्या सकता है तो ये विचार आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये स्वाभाविक है। जब तक अज्ञानता का नाश नहीं होगा तो ज्ञान के बारे में पता ही कैसे लगेगा। जब तक आपके अंदर बुराई होगी नहीं और आप अच्छे बनोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपने बुराई को छोड़ के अच्छाई को पकड़ लिया। दुख ना हो तो सुख का अनुभव नहीं हो सकता और अगर होगा भी तो उसमें अंतर भेद नहीं कर सकते आप। अब मैं बता रही थी आपको कि मैं आपको छोटी सी अपने बारे में एक बात बताती हूं कि गुरु की दृष्टि क्या काम करती है और आपको स्वयं भी नहीं पता होता कि आपके अंदर किस तरीके से उस अध्यात्म का बीजारोपण होता है। जो केवल गुरु करता है लेकिन कई बार आपके पास अनजाने में स्वयं गुरु आता है और आपको दृष्टिपात देता है, आपका शक्तिपात करता है लेकिन आप खुद ही नहीं जानते। हमारे माता पिता का आशीर्वाद, मेरा वैसे जन्म मेरे पिता के गुरु के आशीर्वाद से ही हुआ है, उसकी कहानी किसी और दिन। लेकिन मैं एक छोटा सा वृत्तांत आपको जरूर सुनाऊंगी कि एक दृष्टि क्या काम करती है। मेरी माता राधा स्वामी थी, राधा स्वामी पंत को मानती थी, उनके उन्होंने नामदान ले रखा था और उनका डेरा है ब्यास में। ये ब्यास की बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूं। मैं बहुत छोटी थी, 10-12 साल की रही होंगी उस समय।
और मैं अपनी माता से बहुत स्नेह करती थी और बहुत आसक्त थी अपनी माँ के साथ, मतलब अपनी माँ के बिना रहना पसंद नहीं था मुझे। जरा से अभी मम्मी इधर उधर होती थी तो मैं, मतलब या तो मुझे बुखार हो जाएगा या मैं रोने लग जाऊंगी, इस तरीके से जब मेरा बचपन बीता है तो ऐसे होता था। अब मेरी माताश्री मुझे ले गई साथ, 10-12 साल की मेरी उम्र, और क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं कि संत क्या होते हैं, महात्मा क्या होते हैं, गुरु क्या होते हैं, लेकिन मेरी माँ ने कहा चलना है। जो बच्चों को साथ, जब छोटे होते हैं तो माँ बाप अपने बच्चों को अपने साथ ही रखते हैं, मैं भी उनके साथ गई। गई तो वहां पर डेरा बन रहा था, डेरे की सेवा हो रही थी। अब सेवा में क्या होता है, वहां पर वो लोग मिट्टी के, क्या कहते हैं, मतलब मिट्टी की सेवा थी कि मिट्टी उठानी थी एक साइड से और दूसरी साइड रखनी थी, क्योंकि डेरा बन रहा था। और इस पंथ में एक बहुत प्यारी बात, सबसे अच्छी ये है कि वहां के जितने भी, क्या कहते हैं, साधक हैं, जो क्या कहते हैं उनके भक्त हैं, वो सब खुद ही सेवा बहुत लगन से करते हैं, बहुत प्रेम से करते हैं, बहुत भाव से करते हैं वो लोग। 10-12 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ वहां पहुंचता है। अब वो दर्शन का एक टाइम होता है गुरुओं के देने का, लेकिन वहां चांस की बात है कि वहां बाबा जी चेयर पे बैठे हुए थे जहां पे हम लोग सेवा करने जा रहे थे। तो मतलब मेरी, जहां तक मुझे याद है, सिर्फ 10 या 15 फीट की दूरी होगी, मैंने अपने सर पे माटी का वो, क्या कहते हैं, टोकरा रखा हुआ। 10-12 साल की उम्र थी, लेकिन मेरी इच्छा हुई उस सेवा को करने की अपनी माँ के साथ, और मैं वो सर पे रखा और सामने महाराज जी बैठे हुए थे। अब आप खुद सोचो, 10-12 साल के बच्चे को क्या समझ होगी, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने अपने सर पे वो टोकरा रखा हुआ और मैं चलती जा रही हूं। जैसे ही मुझे पता लगा कि सामने महाराज जी हैं, मैंने उनको देखा, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं उनको देखती जाऊं जैसे मुझे बहुत समझ है, मतलब मेरी नजर ही ना हटे उनके चेहरे से, मैं कहूं बस उनको निहारती जाऊं, क्योंकि उनके चेहरे का नूर इतना तेज था, वो मुझे 12-15 फीट की दूरी से भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं उधर उनके पास खींची चली जाऊं। आप देखो, सर पे मट्टी का टोकरा है मेरे, चाहे मैंने थोड़ी सी ली है चाहे ज्यादा, पर सर पे टोकरा है, नजर मेरी उधर है। मैंने जैसे आपको कहा, उनकी एक दृष्टि, गुरु की एक दृष्टि बहुत काम कर जाती है। और ऐसे करके मैंने 2-3 चक्कर लगाए, लेकिन मैं उनको ही देखती जाऊं बस। अब वो वृतांत हुआ कि जब करके चले गए, अब छोटे थे, भूल भाल गए कि कभी मैंने उनके दर्शन किए इस तरीके से, लेकिन मेरी, मेरे संस्कार में वो बैठ गया। यहां पर मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा कि आप सब कॉन्शियस माइंड में जब जाता है तो वो यहीं से जाता है, ये संस्कार था। अब उनकी दृष्टि ने मेरे लिए क्या काम किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज भी उस वृतांत को याद रखती हूं, मुझे उस इतने प्यारे अनुभव को भूलना ही नहीं आता। जब भी मैं उस वृतांत को याद करती हूं तो मेरा मन रोमांच से भर जाता है, ऐसे लगता है कि आज भी वो मेरे सामने बैठे और उनको मैं निहार रही हूं। अब आप कहेंगे, आप मानते तो साईं को,
फिर उनको कैसे? यही समझना है, यही हमें समझना है कि गुरु किस रूप में, साईं किस रूप में, कब। मैं तो साईं बाबा को जानती भी नहीं थी, मैं 12 साल की, कहां साईं बाबा, कहां नहीं, कहां वो महाराज जी। मेरे माता श्री उनको मानती थी, नामदान उन्होंने ले रखा था, लेकिन उनकी एक दृष्टि ने मेरे अंदर बीजारोपण कर दिया। मेरे गुरु ने समझाया था मुझे, बहुत बाद में इन चीजों की समझ आई। ये वृतांत तो पहले ही हो चुके जब मेरे गुरु ने हमें समझाया कि बीज तो डल गया आपके अंदर, गुरु बीज डाल देता है, अब जितना पानी दोगे वो उतना ही बड़ा वृक्ष बनता जाएगा। बीज तो इतना सा ही होता है, जब हम किसी बीज को मिट्टी में डालते हैं तो वो इतना सा ही होता है, और उसका अंकुर जब फूटता है तो कैसे उसमें से पौधा निकलता है, लेकिन अगर हम पानी नहीं देंगे उसमें तो वो मर जाता है, वो सूख जाता है, निर्जीव हो जाता है, निष्प्राण हो जाता है। अब निष्प्राण में फिर प्राण कौन फूके? उसके लिए तो संजीवनी चाहिए, तभी क्या कहते हैं, मृत आदमी को जीवन दान मिलेगा, वरना कैसे मिल सकता है। अब साठेवाड़ा में हेमांड पंत जी बाला साहेब से बहस कर रहे हैं कि भी गुरु की आवश्यकता ही क्या है जब सब खुद करना है, लेकिन बाबा द्वारका माई पे बैठे हैं और साठेवाड़े की सारी बातें उनके कान में सुनाई दे रही हैं, वो सब समझ रहे हैं। उनके मन में विचार भी आ रहा है कि मैं ऐसे ईश्वर के, ऐसे संत की कैसे लिखूंगा, कहीं मैं ही हंसी का पात्र ना बन जाऊं, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं, मुझ में इतनी योग्यता नहीं, मैं कैसे लिखूंगा। लेकिन कहते हैं तेरे मन कुछ और विधाता के मन कुछ और, तू जितना मर्जी सोच ले, तेरे सोचने से कुछ नहीं होने वाला, हो ही है वही जो राम रचि राखा, जो साईं ने सोच रखा है होगा तो वही। अब साईं ने तो पहले से ही तय कर रखा है कि उनके हाथों से ये ग्रंथ लिखा जाएगा, लेकिन वो अपने रहस्य खोलते नहीं है। ईश्वर अपने बच्चों पर कृपा बनाए रखते हैं, जैसे माता पिता होते हैं ना, उनको अंतर मन से सब पता होता है अपने बच्चों के बारे में, उनको कब खाना देना है, कब क्या करना है, उनके भविष्य के बारे में कब सोचना है क्या, लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं उस टाइम। अगर बच्चों की कोई बात नहीं मानी जाए ना, तो वो अपने माता पिता से झट से कह देते हैं, आपको तो क्या परवाह, आपको तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन माता पिता को सब पता होता है कि कोई नहीं, बच्चों की बात बड़े प्यार से सुन लेते हैं। अगर देखा जाए जिस तरीके से कई बार बच्चे इतना अपने माता पिता के साथ गुस्सा करते हैं, और अगर उनको लिखा जाए तो इतने मोटे मोटे ग्रंथ बन जाए, अगर माता पिता का अहम शून्य ना हो, उनकी निस्वार्थ प्रेम की भावना ना हो अपने बच्चों के प्रति, तो मतलब असहनीय हो जाए। लेकिन माता पिता उस मोटे मोटे ग्रंथों को आग लगा देते हैं, वो सोचते ही नहीं उस बारे में, मेरे बच्चे ने मुझे क्या कहा, क्योंकि पता है उनको कि अभी अज्ञानता में है,
इसको ज्ञान नहीं इस चीज का कि ये क्या बोल रहा है। ठीक वैसे ही हमारे गुरु होते हैं, किसी बात का बुरा नहीं मानते, उनको पता है कि मेरा शिष्य मेरे बच्चे ये पूरा संसार उनका है, और एक की नहीं 135 करोड़ लोग इस संसार में रहते हैं, वो उनके बारे में कितना सोचते हैं, हम दो लोगों के बारे में नहीं सोच सकते। हम कितना अहम रखते हैं, इसके साथ नहीं बात करनी, उसके साथ नहीं, ये छोटा है ये बड़ा है, ये अमीर है ये गरीब है, ये मुझे क्या देगा वो मुझे क्या देगा, लेकिन वो नहीं सोचते कभी भी ऐसा। और वो इसी अहम को, इसी अहम का बीज नाश करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो हमारे अंदर बीजारोपण करते हैं, इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि अहम को शून्य करो। अगर अहम शून्य है तो आपको सब अच्छा अच्छा होगा, क्योंकि अहम अहंकार पतन का कारण है, अहम से कुछ नहीं मिलता, अहम हमेशा विनाश की तरफ ले जाता है। जब अहम का नाश होता है तो फिर जीवन बदल जाता है। अहंकार का सबसे बड़ा उदाहरण प्रजापति दक्ष है। जब मैंने शिव पुराण पढ़ा तो मुझे समझ आया कि इस अहंकार से मुक्ति पाना आसान नहीं है। जो इतने हम ग्रंथ पढ़ते हैं और बार बार हमें मतलब याद दिलाते हैं संत महात्मा गुरु हमारे साईं, इस अहम को त्यागो, कि जब प्रजापति दक्ष जिसके पास इतनी शक्तियां, जो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र थे, उन्होंने भी इसका त्याग बड़ी मुश्किल से किया। जब आपका अहम चरम सीमा तक पहुंच जाता है ना, उसके बाद ही आपको समझ आती है। लेकिन अगर गुरु हो, अगर गुरु की कृपा हो और गुरु आपके साथ रहे हमेशा, तो ये चरम सीमा भी शून्य बन जाती है। वो जो हमारे अंदर बीज बोते हैं और जब हम उस पे पानी देते हैं, पानी देने का मतलब ये है कि जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम उसका जाप करते हैं, जब हम उसकी लीलाओं का गुणगान करते हैं, जब हम संकीर्तन करते हैं, आप ध्यान कर लो, आप चैंटिंग कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप धीरे 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 उनके समीप पहुंच ही जाओगे। अब हेमाड पंत पर कृपा की और उन्होंने, बाबा ने कहा कि जब ये अपना अहंकार शून्य करेंगे, जब ये अपने अहंकार को त्याग देंगे, त्याग क्यों देंगे, क्योंकि उस वाट जब साठेवाड़ा में जब वो बात उनसे बहस हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भी क्या कहते गुरु की आवश्यकता ही क्या है, गुरु करता ही क्या है, तो उस अहंकार को शून्य करने की तरफ इशारा था बाबा का। कि जब वो इस अहंकार का त्याग करेंगे तो ये मैं उनकी इसको लिखने में मदद जरूर करूंगा। पहले बाबा भी नहीं मान रहे थे,
जब अहंकार को शून्य करेंगे और तब मैं उनकी स्वयं मदद करूंगा लिखने में, यानी भगवती बन, सरस्वती माँ का आशीर्वाद बन, मैं स्वयं उस लेखनी में विराजमान रहूंगा और सचरित्र लिखा जाएगा। गुरु अगर पास होता है, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने उस दृष्टि पात्र से मेरे अंदर बीज बो दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानती थी कि ये बीजारोपण तब से है। क्योंकि मैं तो उस टाइम खुद बच्ची थी, मैं क्या जानूं। लेकिन हां, बचपन से ही क्या कहते हैं, हम लोग अपने मतलब पिता के गुरु थे, उनके पास आना जाना, उनके सानिध्य में ही अपना बचपन बीता है। और क्या कहते हैं, मतलब हमने, मतलब हमारे घर के अंदर जोत जगाने का एक रिवाज नहीं था। मेरी माता भी बहुत समय के बाद राधा स्वामी पंथ में गई, क्योंकि जब आप किसी के साथ बैठते उठते हो और जब कोई कहता है कि गुरु की जरूरत होती है, या कोई आदमी बहुत परेशानियों से जब जूझ रहा होता है, तो वो कोई ना कोई अंतर मन से मनन करता रहता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं इन बंधनों से छुटकारा पाऊं, या इन मुश्किलों से मतलब छुटकारा पाऊं। तो कुदरत आपको स्वयं मार्गदर्शन देती है। उनकी भी एक सहेली थी, वो उनके साथ राधा स्वामी पंथ में गई, और जो मैंने उनकी जर्नी देखी, मतलब अद्भुत। मेरी मां सहनशीलता की मूरत थी, और पति को परमेश्वर मानने वाली, और अथाह प्रेम करने वाली, और स्वयं से ही नहीं, अपने बच्चों से ही उन्होंने प्रेम नहीं किया, उन्होंने अपने भाई बहनों को भी बहुत सपोर्ट किया, उनके लिए वो काम किए कि मैं छोटी, क्योंकि क्या होता है, बच्चा जब होता है ना घर में, वो देखता है सिर्फ, कई बार हम बोल नहीं पाते हैं, पर लेकिन हम आंखों से सब देखते हैं। तो जब मैंने बचपन से ये देखा कि मेरी माँ तो बड़ा मतलब दूसरों के साथ बहुत करती है, मतलब वो कहते हैं एक, अगर आप एक मुट्ठी से दान कर रहे हो तो आपकी दूसरी मुट्ठी को पता नहीं लगना चाहिए, यानी एक हाथ से अगर आप कुछ कर रहे हो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए कि आपने कोई नेक काम किया है। वो भी ऐसे ही करती थी। अब माँ थी, अंश थे, तो संस्कार तो स्वाभाविक था। उनकी मृत्यु जब हुई, उनको अपने जाने की तिथि पता थी, उनको समय पता था। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं कि जब गुरु होता है तो आपको क्या क्या चीज मिल सकती है, आप खुद नहीं सोच सकते, स्वयं आप सोच भी नहीं सकते कि, यानी कहते हैं ना, ये लोक भी क्या कहते हैं सुधारते हो और परलोक भी सुधर जाता है, संवार देते हो, कहते स्वर्ग का वासी होता है वो, उनका नजारा जब हमने देखा अंत में। एक्चुअली मेरे पिता के गुरु को भी बहुत प्यार से और बहुत शिद्दत से मानती थी, और वो अपने राधा स्वामी महाराज जी को भी बहुत मानती थी। अब मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूं कि लोग कहते हैं दो गुरु या कैसे होता है, ये मैं उस बात पे आपको बता रही हूं। जब अंत घड़ी थी तो उन्होंने उन अचानक से, जब गीता का पाठ हम कर रहे थे, मतलब हो रहा था, तो हमारी माता जी की तबीयत बहुत खराब थी, उनको कैंसर था। तो जब गीता का पाठ हुआ तो चंद 3 से 4 घंटों के अंदर उनकी तबीयत में ऐसा बदलाव हुआ कि वो बेसुध हो गई,
और वो कुछ अजीब तरीके से बड़बड़ाने लगी। उन्होंने कहा, हमने बात की, मम्मी क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा, दो मतलब बाबा जी आ रहे हैं मेरे पास, अब मैं कहाँ जाऊं, ये बड़ी सच्ची घटना है। उन्होंने कहा मैं कहाँ जाऊं, मतलब इधर से बाबा जी हैं, वो कहते हैं मैं एक ही हूं, तू चिंता नहीं कर। क्योंकि जिस गुरु से आप, देही गुरु से जो आप दीक्षा लेते हो और आप उसका क्या कहते हैं सिमरन करते रहते हो, तो वो हर समय आपके साथ रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप दुविधा में आ जाते हो, मौत से पहले विरला ही होता है कोई, बहुत वटभागी होता है जिसको स्वयं उसके गुरु और उसके ईश्वर आकर दर्शन दें और वो हो। मैंने तो जो देखा, जो महसूस किया, मैं वो आपके साथ बांट रही हूं। जब ऐसा हुआ और उन्होंने बोला कि मेरे को बाबा जी बोल रहे हैं कि एक ही है, तू टेंशन मत ले, तू चिंता मत कर, ठीक है, चिंता नहीं की उन्होंने। और उस 10-15 मिनट के अंतराल में उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई, लेकिन उनके बोलने में वो तुतलानापन आ गया, क्योंकि क्या वो अपने इष्ट से मिल गई जाकर। ये मुझे उस समय नहीं समझ आया था, मेरी भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत कठिन रही है, आसानी से कुछ नहीं मिलता। जैसे एमांड पंत को लगा कि गुरु की आवश्यकता क्या है, मैं भी कहती थी मैं घर बैठी हूं, मैं सब खुद कर लूंगी। लेकिन जब मेरे घर के अंदर पूरनमासी की कथा होती थी, मेरे पंडित जी जब वो संकल्प कराए, अपने गुरु का ध्यान करो अब गुरु का ध्यान करो, गुरु तो है नहीं, पंडित जी अब गुरु कहां से लाऊं? तो बोले कोई बात नहीं, जिनको भी आप मानते हो आप उनको गुरु के रूप में लो। तो अब मैंने तो अपने पिता के गुरु के पास ही, जहां जन्म लिया उन्हीं के पास आते जाते थे, मन में सदैव उनको स्मरण रखा, आंख बंद की और उनका इनाम लिया। लेकिन मन में कहती थी कि गुरु तो फिर होना ही चाहिए, वो तो मेरे पिता के गुरु हैं, लेकिन मैं मान लूं तो ठीक है, लेकिन दीक्षा तो कभी मैंने उनसे ली नहीं। मतलब ये विचारधाराएं चलती हैं आपके मन में, जैसे हेमांड पंत के मन में चल रही थी। और आपको बताने का मतलब ये कि आपको समझ आए, मेरी एक धारणा रही है कि मैं जिस कठिनाइयों से खुद गुजरी हूं ना, मेरा मन नहीं करता कोई दूसरा आदमी उस कठिनाइयों से बीते। मैं कहती हूं मैं उसका रास्ता आसान कर दूं। मैं रियल लाइफ में भी जब किसी से बात करती हूं तो मैं उसको भी, कई चीजें ऐसी होती हैं कि ये इसमें परेशानी आएगी, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि दुख झेलना आसान नहीं होता, पीड़ा से गुजरना आसान नहीं होता। जब आप किसी पीड़ा से गुजरते हो ना, वो क्षण बड़ा दुखदाई होता है। उस टाइम ऐसे लगता है कि बस और गुरु को पाना तो सच में एक बड़ी कठिन तपस्या है। गुरु आसानी से नहीं मिलता, मिल भी जाता है तो आप कहने से नहीं, कहने से गुरु का कोई फायदा नहीं, उसको आत्मसात करो, उसको अपनी आत्मा में लीन कर दो, ऐसे कुछ करें कि जो उनके हृदय में हम अपना स्थान बना सके, तब है हमें गुरु मिलने का पात्र। लेकिन क्या करें, इस भौतिक संसार में जब हम जीते हैं तो पल पल में ऐसी परीक्षाएं होती हैं कि आप चाहते हुए भी उन रास्तों पे, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र तो है नहीं, हजारों बार झूठ बोलते हैं, कई बार खुद के लिए कई बार अपनों के लिए झूठ बोलते हैं,
तो ईश्वर को पाना भी तो आसान नहीं होता ना। झूठ बोलेंगे तो ईश्वर कहां से मिलेगा। सच की राह पे चलना बड़ा कठिन है, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं और करनी भी चाहिए। अगर इच्छा है तो आप जरूर पहुंच जाएंगे, 101% पहुंचेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि मेरे पास एक कपल आया था, उसने कहा क्या आपने ईश्वर को देखा, और मैंने कहा हाँ मैंने देखा है। ये सच्ची बात है। वो कुदरत आपको एक मौका जरूर देती है और हर इंसान को देती है। कुदरत एक बार आपको जरूर अपना क्या कहते हैं साक्षात्कार करवाती है। अब उस साक्षात्कार को पाने के बाद हम जरा सा भी डावाडोल हो जाते हैं तो हम चूक जाते हैं। मैं भी चूक गई, क्योंकि गृहस्थ जीवन है। और मेरे पास भी गुरु की गाइडलाइन नहीं थी, चूक गई। जब मिली तो बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन कहते हैं जब जागे तब सवेरा। और गुरु को साथ लेकर चलोगे पल पल में, तो फिर तो हर रोज दिवाली मनाओगे। अब दिवाली मनानी है तो दिवाली पे दिए भी जलाने पड़ेंगे, पटाखे भी जलाने पड़ेंगे। अब उनको जलाने के लिए फिर वैसा कर्म भी करना पड़ेगा। राग द्वेष से मुक्ति तभी मिलेगी जब तप करेंगे, जब हमारे पास गुरु होगा। गुरु तो हमारे पास है, हमारा साईं। जरूरत है तो उनको अनुसरण करने की, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की। सच्चाई पे चलेंगे तो सब कुछ मिलेगा। पॉजिटिव रहिए, अब जब हमें ये सच्चरित्र जैसा ग्रंथ मिला है तो इसको दिल से पढ़िए और गुरु की आवश्यकता क्यों है उसमें ही ध्यान से पढ़िए और समझिए। जैसे मैंने कहा कि जब बीजारोपण हो जाता है, जिसको दूसरी भाषा में शक्तिपात कहते हैं, और शक्तिपात तो गुरु के बिना कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, साधारण मानव तो बिल्कुल नहीं कर सकता। और गुरु जैसे कहे अगर आप वैसे ही करते जाते हैं तो सच कहती हूं जो चाहते हैं वही पाते हैं। गुरु की बताई हुई एक एक बात को अगर हम गांठ बांध लें और उस पे चलते जाएं तो मैं कहती हूं कभी कोई मुश्किल आ ही नहीं सकती। जितना मर्जी कठिन समय हो, लेकिन अगर आपके अंदर उस बीज का रोपण है तो आप आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों जब आप उसमें पानी देते जाएंगे तो एक दिन वो वृक्ष बन ही जाएगा। और जब वो वृक्ष बनेगा तो फल देने वाला बनेगा। और फल किस पे आते हैं? झुके हुए पर। वृक्ष झुक जाता है, फल आने वाला।
जब वो वृक्ष झुकता है तो इसका मतलब क्या है? अहंकार शून्य, अहंकार का शून्य होते ही जानी जहां विचार आया कि छोड़ो इस अहम में कुछ नहीं रखा। अहम की लड़ाई बहुत कठिन है, तो लड़ना ही क्यों है हमने? गुरु तो अहम का त्याग करवा देता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं। और कहते हैं जिसके सिर पर तू स्वामी सो तू कैसा पाए। गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि अगर आपको कुछ पाना है, जब हम साधना करते हैं तो साधना करते समय बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें समझ नहीं आती। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपके अंदर की सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। जब सारी शक्तियां जागृत होती हैं तो बहुत सी अच्छी चीजें उभर के आती हैं। और जब आपके अंदर एक आत्म साक्षात्कार होता है तो उस समय थोड़ा सा अहंकार भी साथ आता है, लेकिन आप उस अहंकार को प्रार्थना करके जब भगवान से करेंगे, अपने गुरु से कहेंगे कि मुझे ये अहंकार नहीं चाहिए, तो आप उस अहंकार का त्याग आसानी से कर पाएंगे। लेकिन साधना करनी बड़ी जरूरी है, आपको अपने साथ बैठना बहुत जरूरी है। आप सहज और सरल जीवन अगर जीना चाहते हैं तो आपको साधना करनी ही पड़ेगी। और अपने हित से पहले दूसरों का हित सोचो, ये मूल मंत्र है। निस्वार्थ अगर होकर आप अग्रसर होंगे तो आपको सहजता से सब कुछ मिलेगा। कुदरत का पहला नियम है अपने बारे में नहीं सोचना। आप शिव पुराण पढ़िए, उसके अंदर शंकर भगवान भी यही कहते हैं। कि आपकी मंशा क्या है, आपके मन में बैठा हुआ उद्देश्य क्या है, आप क्या सोचते हैं। अगर आप स्वार्थी बनकर करते हैं कोई कार्य तो कभी सफल नहीं होते। जगत जननी माता आद शक्ति, जो लोग माता को बहुत पूजते हैं, माता क्या है? शक्ति है एकदम। और शक्ति क्या देती है? अहंकार देती है। जब आपके अंदर बल होता है ना, ना चाहते हुए भी आपके अंदर अहंकार आ जाता है, क्योंकि आप हर चीज को करने में सक्षम होते हैं। किसी कार्य को करने के लिए आपको बल की जरूरत होती है, लेकिन बल के साथ साथ अगर विवेक जागृत है, अगर आपका विवेक जागृत है तो आपको अहंकार छू भी नहीं पाएगा। यानी शिवा को मानने वाले जो मां को मानते हैं उनको शंकर भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। जब हम शिव और शक्ति को मानते हैं तो हम समता में आ जाते हैं, बैलेंस में आ जाते हैं। हम साई को मानते हैं, साई किसका रूप है? फकीरी रूप है। साई का फकीरी रूप हमें क्या समझाता है? सहज और सरल हो जाओ। प्रेम की भावना देते हैं, परोपकार। उन्होंने हमेशा पूरी शिरडी के लिए मतलब सारे कार्य किए।
जब तक वो शारीरिक देह में थे उन्होंने कभी अच्छा वस्त्र नहीं पहना। उन्होंने कहा कि जब मैं चला जाऊंगा फिर जो पहनाओगे मैं पहनूंगा, अभी तो मैं इन्हीं वस्त्रों में खुश रहता हूं, मुझे यही वस्त्र भाते हैं। वो फकीर थोड़ी थे, वो तो दिखाना था, वो तो सिखाना है कि आपको जो मिले जैसा मिले वैसे खाओ पियो और खुश रहो। अन्न की कमी मैं कभी नहीं होने दूंगा तुम्हें, वस्त्र की कमी कभी नहीं करने दूंगा तुम्हें। मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो मैं सब बिना बोले सब कुछ पूर्ण कर दूंगा। गोविंद राव रघुनाथ दाभोलकर को हेमाड पंथ की उपाधि जो थी वो बाबा ने दी थी। इस नाम से उन्होंने उनको पुकारा। लेकिन गोविंद राव शिरडी आना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उनका क्या कहते हैं अनुभव ऐसा रहा कि उनके मित्र का पुत्र जो मैंने पहले भी बताया बहुत बीमार था, वो ज्वर से पीड़ित था। सभी औषधियां आध्यात्मिक सभी यत्न प्रयत्न कर लिए सब निष्फल हुए। उसके बाद उनके मित्र के गुरु भी साथ बिठा दिए गए तब भी पूर्वत ही उसका परिणाम रहा। तो उनके दिमाग में यही चीज चल रही थी कि गुरु मतलब जब एक बच्चे को ठीक नहीं कर सकता तो फिर मेरा शिरडी जाना किस लिए, मैं क्यों जाऊं शिरडी, मतलब जब गुरु कुछ कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने शिरडी जाने का जो चांद्रोकर साहब ने उनको समझाया था कि आप शिरडी जाओ, इंसिस्ट किया था। काका साहब दीक्षित और नाना साहब और गोविंद राम ये तीनों घनिष्ठ मित्र थे। अब मित्र जो होते हैं सही राह दिखाते हैं अगर सच्चे मित्र हैं और सही मायनों में आपको वो अपना मित्र समझते हैं तो ही ऐसा होता है। कई बार मित्र सही राह भी नहीं दिखाते, ऐसा भी होता है। लेकिन नाना साहब तो फिर बाबा के अति निकटतम भक्त थे, बहुत प्यारे। काका साहब दीक्षित को भी बाबा साईं बाबा बहुत प्रेम करते थे और बहुत चाहते थे, और उनको शिरडी में तो बाबा ने खुद बुलाया उनके स्वपन में जा जाकर। अब जब ऐसा आपके सामने कोई अनुभव आ जाता है तो मन में स्वाभाविक है ये सब चलना कि छोड़ो क्या करना है जाके। ऐसा संत मतलब जो क्या कहते हैं जब एक बच्चे की तबीयत नहीं ठीक कर सकता। अब इस पे एक छोटी सी बात और सुनाती हूं मैं आपको। कि इस कलयुग के दौर में बहुत से संत मतलब ऐसे ऐसे हुए, बहुत अनेकों संतों की भीड़ लगी और छट भी गई। जब कहते हैं कुदरत अपना करिश्मा करने पर आती है तो छटाई भी एक मिनट से पहले कर देती है। बहुत संतों ने बहुत सच्चे भक्तों का फायदा भी उठाया और गलत तरीके से संत बनने की कोशिश की। ऐसे ही जब मैं अपने गुरु को क्या कहते हैं गुरु बनाने की अपनी विचारधारा और उस बारे में सोचती रहती थी तो एक दिन मेरी मतलब मेरी एक कजन सिस्टर थी, वो जिस गुरु के पास जाती थी उनको मानती थी तो उनकी उसमें आस्था थी, क्योंकि जिस किसी की आस्था है तो उसकी आस्था को ठेस तो नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि उसका अपना विश्वास है। तो विश्वास तो आप जब विश्वास करते हैं तो पत्थर भी तर जाते हैं। दूसरी बात मैंने उनको बोला कि जब आप अपने गुरु के पास जाएंगी ना तो आप मुझे साथ लेके चलना। ये बात मैं
हेमान पंत की इस अनुभव घटना के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि उनको जो ये घटना हुई कि उस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हुई, इस गुरु की क्यों आवश्यकता है, वो ऐसा क्यों होता है। अब उन्होंने कहा आज सत्संग है, अगर आपको चलना है, मेरी सिस्टर ने, कजन सिस्टर ने, तो आप तैयार हो जाना, मैं आपको लेके चलूंगी। मैं मन में बड़ी खुश, मतलब मेरा उत्साह एक, सच बताऊं, चरम सीमा तक। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि आज ना मैं क्या कहते हैं सत्संग सुनने जा रही हूँ सो एंड सो का, मैं नाम नहीं लूंगी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, अब मैं बिल्कुल तैयार हो गई, मेरी सिस्टर ने बेल की तो उन्होंने बोला चलें। तो मैं क्योंकि उत्साहित थी तो मेरी जिज्ञासा भी क्या कहते हैं होनी बड़ी जरूरी है, तो जिज्ञासा वश मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा दीदी दर्शन तो होंगे ना, कि अगर किसी के पास जा रहे हैं, और मन में मतलब मैं सोच बैठी थी कि मैं मतलब अगर मतलब मुझे अच्छा लगेगा तो मैं गुरु बना लूंगी। तो बोले क्या कहते हैं मेरे को ना पक्का नहीं पता कि दर्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि मैंने सुनने में आया है कि उन्होंने ना इस बार खुद को एक शीशे के फ्रेम में रखा है, शीशे के फ्रेम में रखा है कि वो उनके जहां पर वो होंगे तो उनको पूरा ना शीशे से कवर्ड करके रखा है कि डर है शायद कोई गोली वोली ना मार। उनका इतना कहना कि शीशे के फ्रेम के अंदर रखा है, और मैंने उनको तुरंत बोला क्या मतलब, बिल्कुल ऐसे ही, क्या मतलब शीशे के फ्रेम के अंदर रखा है, गोली ना मार दे। मैंने कहा दीदी ये क्या, गुरु है तो शीशे के अंदर क्या। अब मैंने ना उनको इसके आगे बोलना ठीक नहीं समझा, तो मैंने कहा दीदी दर्शन तो होंगे नहीं तो मैं नहीं जा रही, मैं नहीं चलूंगी अगर दर्शन ही नहीं होने। लेकिन मेरे मन में भाव कुछ और था, मेरे मन में भाव ये था, मैंने उनके जाने के बाद सोचा जो गुरु अपनी सुरक्षा के लिए एक शीशे के फ्रेम के अंदर खुद को कैद कर सकता है तो वो अपने शिष्यों की रक्षा कैसे करेगा, जिसको अपनी मौत का भय है वो मुझे भय से कैसे मुक्त करेगा। जबकि गुरु सबसे पहला काम तो यही करता है कि भय से मुक्त कर देता है। यही दुविधा मुझे लगता है हेमान पंत जी की भी हुई होगी, उनको भी ऐसे ही महसूस हुआ होगा, और स्वाभाविक है। लेकिन बात वही आ जाती है, तेरे मन कुछ और है और दाता के मन कुछ और, क्योंकि वो गुरु मुझे मिलने नहीं थे इसलिए मेरे मन में ये भाव पैदा हुआ। और भाव सही था कि मौत से कैसा घबराना, अगर मौत आनी है तो अगर आपके भक्तों के आगे आ भी जाती है तो आपके इतने सारे भक्त हैं आपको बचाने के लिए, फिर भी आपको मतलब उस संत को, उस महात्मा को अपने लिए एक सुरक्षा कवच के अंदर रहना है। सुरक्षा कवच तो अदृश्य होता है एक गुरु के लिए, एक संत के लिए। वहां से मेरी भावना कमजोर पड़ गई, लेकिन मैंने उस संत के लिए मन में कहा कि मुझे क्षमा कर देना, मैं आपके लिए ऐसा सोच रही हूं, मुझे नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मैं आपसे माफी मांगती हूं। मैंने अपने मन में माफी मांगी और मैं गई नहीं, लेकिन
मेरे मन में ये भाव आया जो मैंने आज आपके सामने प्रकट किया। अब जब ये उनके साथ हुआ तो जब नाना साहब ने क्या कहते हैं बसई के दौरे पे जाना था और उनको जब मुलाकात हुई तो उन्होंने उनको आड़े हाथ लिया और उन्होंने कहा ये स्थगित कर दिया प्रोग्राम। तो लेकिन जब उन्होंने उनको उनसे वार्तालाप किया तो उनको उनकी वार्ता में एक बड़ा सुखद अनुभव हुआ। उन्होंने मन में सोचा कि ये बिल्कुल ठीक है तो मैं शिरडी के लिए रवाना हुआ, क्योंकि उनके मन में एक मतलब एक कहते हैं ना जब कोई अच्छा काम होने लगता है ना आपको बड़ी खुशी सी होती है, उत्साह जागृत होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं जब उनके साथ जाने के लिए तैयार हुई तो मेरी जिज्ञासा बढ़ गई, मेरा मतलब एक हर्ष की सीमा नहीं थी कि मेरे मन में ये भाव चल रहा था कि मैं गुरु के पास जा रही हूं, अब तो मैं गुरु बना ही लूंगी। लीला तो ये साईं की थी हेमांड पंत के लिए। अब दादर जाने के लिए दादर की गाड़ी में बैठ गए हेमांड पंत जी। अब जब गाड़ी में बैठे तो एक यवन आया और उनसे गंतव्य का स्थान पूछा कि कहां जा रहे हो। तब उन्होंने कहा कि मैं शिरडी जाना चाह रहा हूं। अब यवन कौन था? अचानक से किसी को अगर आप कहीं जा रहे हो और आपके पास कोई क्या कहते हैं आ जाए और पूछने लग जाए तो एकदम भी नहीं होता, अनायासी कोई आपसे क्वेश्चन करने लग जाए, तो ये लीला किसकी है? ये साईं की है। साईं ही यवन बन के उनके आगे आए और उन्होंने कहा कि आपको मनमाड की गाड़ी पकड़नी चाहिए, क्योंकि दादर से तो मनमाड की गाड़ी नहीं जाती। अब ये छोटी सी घटना, एक छोटा सा वाक्य अगर नहीं हुआ होता तो उनकी तो क्या कहते हैं मतलब यात्रा स्थगित हो जाती और जो अगले दिन उन्होंने वहां शिरडी पहुंचना था वो पहुंच नहीं पाते। अब जब उन्होंने बोला कि आपको बोरी बंदर से मिलेगी मनमाड की गाड़ी तो वो फिर उस गाड़ी में पहुंचे और अगले दिन उस समय से शिरडी पहुंच गए। और हेमांड पंत जी जब अगले दिन शिरडी पहुंचे तो उनका मन हर्षोल्लास से भर गया। अब वो बड़े उत्साहित थे मतलब कि दर्शन करने को। अब उन्होंने जब बाबा के दर्शन किए तो उनके दर्शन मात्र से ही उनको अनुभूति होने लगी कि ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे प्रारब्ध के जो कर्म है ना वो सब खत्म हो गए और मैं मतलब आनंदित हो गया, मेरा अहंकार मेरा मतलब सब दूर हो गया कि मुझे कोई शंका नहीं रही, कोई मेरे मन में विचार ही नहीं रहा कि मैं सोच सकूं कुछ की भी क्या है। कि मतलब उन्होंने कहा कि बाबा की एक दृष्टि मात्र से ही जब इंसान के मतलब विचार सारे खत्म हो जाएं, आसक्ति ना रहे उस टाइम और आप मतलब शून्य हो जाएं, तो ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। ऐसे संत की दृष्टि पड़ते ही आप मतलब शब्द नहीं होते, कई बार निशब्द हो जाते हैं आप ऐसे संतों के दर्शन करके। कि मन करता है, क्योंकि कहते हैं ना कई बार हम सोचते हैं अच्छा मैं जाऊंगा ये मांगूंगा मैं वो मांगूंगा, तो लेकिन जब आप उनके सामने जाते हैं आप सब भूल जाते हैं और आपका शरीर रोमांच से भर जाता है, आप उस आनंद में खो जाते। और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि आपके आंखों से अश्रु धारा ही बहने लगती है। ऐसा ही उनको महसूस हुआ और
उन्होंने चरण वंदना की और अपने मन में सोचा कि बस यही मेरे चारों धाम हैं। और तब उनको महसूस हुआ कि हाँ, यही गुरु है जिसकी मुझे तलाश थी और यही कोई मेरे प्रारब्ध कर्मों का कोई पुण्य फल है जिसकी वजह से मैं उनके पास पहुंचा हूं। ये गुरु की महिमा होती है, ये गुरु की दृष्टि होती है जिसके दर्शन मात्र से ही आप प्रफुल्लित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। जन्मों से जो कर्म बंध हमारे साथ जुड़े रहते हैं, दुष्कर्म होते हैं, उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। गुरु ऐसे ही होते हैं, अपने शिष्यों का उद्धार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। गुरु के बिना सांसारिक यात्रा करना बहुत कठिन है। अगर आपके पास गुरु है तो सब आसान हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और आपके हृदय में बैठे हुए साईं को मैं प्रणाम करती हूं और साईं से प्रार्थना करती हूं कि आपके हृदय में सदा वास करें और आपको साधना करने की शक्ति प्रदान करें, प्रेरणा प्रदान करें कि आप उनके बताए हुए मार्ग पर चल सकें। आप स्वयं के साथ बैठ सकें, आप आत्म बोध कर सकें, आत्म साक्षात्कार हो आपको, यही मेरी प्रार्थना है। ओम साईं राम।